हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक द फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। सो सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो जिस कंपाउंड का हमें फॉर्मूला बनाना है उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंड द वैलेंसी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें फॉर्मूला बनाना है फॉर्मूले ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। सो सबसे पहले इसे बनाने का तरीका यही होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सिंबल एंड नेक्स्ट हम लिखते हैं उसकी वैलेंसी। सो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड है। सो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, एच, और क्लोराइड का सी एल। क्लोरीन से बना है क्लोराइड तो हम सिंबल लेंगे सी एल। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमें लास्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करी थी, 1 होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या होती है, 1। सो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप यही होता है, इसको क्रॉस ओवर करते हैं वैलेंसीज को। सो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा, फॉर्मूला इज एच सी एल, बिकॉज दोनों की वैलेंसी ही 1 है। सो हमें 1-1 लिखने की नीड नहीं होती, सो हम डायरेक्टली लिखते हैं एच सी एल। सो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट फॉर्मूला बनाना है हमें फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पर भी सेम ही है मैथड, सबसे पहले हम लिखते हैं सिम्बल, नेक्स्ट लिखते हैं हम वैलेंसी। सो यहाँ पे सिंबल देखना है कौन सा यूज होगा, मैग्नीशियम के लिए हम यूज करते हैं सिंबल Mg, एंड हाइड्रोक्साइड के लिए सिंबल होता है OH। नाउ नेक्स्ट वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 एंड हाइड्रोक्साइड इज 1। सो नेक्स्ट इज क्रॉसिंग। सो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला इज Mg, सबसे पहले ये लिखते हैं इधर Mg एंड देन OH, OH एंड देन 2। सो Mg OH ट्वाइस। सो यहाँ पर फॉर्मूला बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का Mg OH ट्वाइस। सो नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, सेम ही तरीका है, सिंबल एंड देन वैलेंसी। फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज, सबसे पहले एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al, एंड सल्फेट के लिए सिंबल हम यूज करते हैं SO4, एंड द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3। यहाँ पर आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो फॉर्मूले बनते हैं वो पॉजिटिव, एक का साइन जो होता है, एक हमारा कैटायन होता है और एक एनायन होता है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है उसकी वैलेंसी होती है 3 पॉजिटिव, बिकॉज ये मेटल होता है। अब यहाँ पर सल्फेट क्या है, वो हमारा एक पॉलीएटॉमिक आयन है जिसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव, बट हमें यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने की नीड नहीं होती। सो इसके बाद हम करेंगे क्रॉस। सो फॉर्मूला हमारा बनेगा यहाँ पर Al2SO4। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगानी इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज SO4 जो है यहाँ पर कंबाइंड है, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, SO4 एक है खुद और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 4 है। सो इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगानी पड़ती है जब दो नंबर आ जाते हैं साथ में। सो फॉर्मूला बना एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 3। नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सेम मैथड ही है, बस सिंबल और जो वही डिफरेंट है, सिंबल एंड देयर वैलेंसी, सिंबल वैलेंसी। सो सिंबल ऑफ सोडियम इज Na एंड सिंबल फॉर कार्बोनेट इज CO3। सो यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी होती है 1 एंड कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2। सो नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस ओवर बिटवीन द वैलेंसीज। सो फॉर्मूला इज Na2CO3। सो इसी तरह से आप कोई भी सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।